नमस्कार, नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनाने की तैयारी शुरू। राजनीतिक करियर क्या नीतीश कुमार का यही समाप्त हो जाएगा? देखेंगे वीडियो के माध्यम से, बने रहिए आप हमारे साथ। इसके साथ ही बताएंगे आज की बड़ी खबरों के अंदर, उत्तर प्रदेश के तौर तरीकों पर 1 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गया बिहार में बुलडोजर यात्रा। जी हाँ, जहां अगर मिला अतिक्रमण वहां चलेगा बुलडोजर। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार में अवैध निकासी के मामलों में नहीं मिली राहत, एक बार फिर से कोर्ट ने सजा सुनाया। देखिए क्या है बड़ी खबर, विस्तार से बताएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। इसके साथ ही बताएंगे आज की बड़ी और मुख्य समाचार में, योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी निर्णय 2.0 शपथ ग्रहण के बाद में योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। 10,000 युवाओं को लेकर के उन्होंने बयान दिया, कहा सबसे पहले रोजगार। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के आज बड़ा बयान देते हुए नजर आए, कहा MLC के प्रत्याशियों को डराया और धमकाया जा रहा है। बिहार में 3 से 4 तारीख को हो सकती है जबरदस्त बारिश, उमस वाले गर्मियों से मिल सकता है राहत। बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण अब लगातार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा दावा, आने वाले वक्त में एक सबसे बड़ा भूचाल आ सकता है। देखेंगे वीडियो के माध्यम से क्या है बड़ी जानकारी। आज से जी अनमोल समेत डीडी फ्रीडिस के 5 महत्वपूर्ण चैनल बंद हो गए। जानिए क्या है इसके पीछे का वजह। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, चाचा और भतीजे का रास्ता सुलझाने में करेंगे सबसे बड़ा योगदान। देखिए कैसे सुलझाएंगे ओम प्रकाश राजभर। और इसके साथ ही IPL के दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आपको बता दें कि अब 35% लोग जा सकेंगे, और वहीं आपको बता दें कि जो लोग शराब पीते हैं वो लोग भारतीय नहीं हो सकते, ऐसा हमारा कहना नहीं है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में गला फाड़ बड़ा बयान दिया। और अब गुजरात के यात्रा पर निकले भागवत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए दोस्तों खबरों को विस्तार से देखते हैं और आज के मुख्य समाचार की शुरुआत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सबसे पहले आपको इस जड़ के बारे में बताते हैं कि आखिरकार वह मुद्दा कौन सा है और इस मुद्दे के पीछे का वजह क्या है। नीतीश कुमार समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू हो गई है, वो JDU को हो, RJD के हो या फिर किसी भी पार्टी या दल के हो। इन सभी नेताओं को दिल्ली भेजने की तैयारी इस वजह से शुरू हो गई है क्योंकि ज्यादा दिनों तक राजनीतिक के अंदर अपने ज्यादा अनुभव को वह साझा कर पाए और देश के अंदर अच्छे नेताओं की एक बार फिर से बारिश हो सके। हालांकि आपको याद होगा कि JP आंदोलन के ये दो बड़े नेता नीतीश कुमार और साथ ही साथ आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार पर जमकर राज किया, लेकिन क्या नीतीश कुमार अब राष्ट्रपति पद के लिए नियोजित किए जाने वाले हैं? ये भी आपको बता दें कि NDA की तरफ से वह राष्ट्रपति नहीं बनाए जाएंगे, वो आपको बता दें महागठबंधन की ओर से NDA के प्रत्याशी हैं या फिर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बहुत जल्द उपराष्ट्रपति का पद खाली होने वाला है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए नीतीश कुमार नहीं मानेंगे, राष्ट्रपति के लिए मान सकते हैं। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर, आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि विश्वास जीतना एक सबसे बड़ी कला है, लेकिन उस विश्वास को अविश्वास में बदल देना उससे भी बड़ी कला है। अगर आपने अविश्वास में बदला तो जनता आपके तरफ से मुंह को मोड़ लेगी। जिन्होंने ऐसा किया उनकी राजनीतिक करियर समाप्त हो गए। इन्हीं सभी बातों को लेकर के योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज सबसे बड़ा बयान दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के अंदर अपनी सरकार बनाने के बाद में आज मंदिर में दर्शन की, रामलला के दर्शन करते हुए उन्होंने इस बात का शपथ भी लिया कि भ्रष्टाचार, महंगाई और समेत तमाम मुद्दों को वो दूर करेंगे। लेकिन दाल की कीमत 105 रुपए हो गई है इसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में, और इसके साथ ही महंगाई 105 रुपए पेट्रोल उत्तर प्रदेश में चली गई है। उत्तर प्रदेश की जनता को 205 रुपए अधिकतम LPG सिलेंडर पर देना पड़ रहा है, आखिरकार क्यों कारण भेज भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, आज परीक्षा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा खामोशियों के अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दें और जैसे जैसी परिस्थितियां हो वैसे जरूर जिए। नरेंद्र मोदी के इस बयान को उन्होंने साफ तौर पे एक विशेष वर्ग को उन्होंने टारगेट किया था और वो था यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के बाद में उनसे चर्चा। हालांकि उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खड़ी है, छात्रों को सबसे पहले स्कॉलरशिप देने की बात
हो या फिर छात्रों के लिए तमाम बातों को करना हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से परीक्षा पर चर्चा करते आ रहे, अप्रैल और मई के महीनों में भी चर्चा किया जाता है। हर एक साल जब परीक्षा होती है उस दौरान टॉपर्स से बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार के टॉपर्स में बड़े लोगों के दिग्गजों के बाल बच्चे भी शामिल रहे, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है ये तो खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि क्या गरीब का बच्चा आखिरकार क्यों नहीं दिखा एक भी। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है और इस बात को नीतीश कुमार गला फाड़ कर आज लगभग 2015 से लेकर के आज तक चिल्लाते आ रहे हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि महिला वोट बैंक को एकत्रित रखने के लिए हमें संपूर्ण शराबबंदी कानून को लागू रखना होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी के कारण कई महिलाएं विधवा हो गई हैं। इसका मुख्य कारण है जहरीली शराब का सेवन करना। जब बिहार में शराब मिलता ही नहीं है तो शराब बिकता कहाँ से है। सबसे बड़ा मुख्य कारण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा शराब पीना एक बहुत घटिया बात है और मैं मानता ही नहीं कि शराब पीने वाले भारतीय भी हो सकते हैं। इनकी विदेशी नीतियों को दूर करने के लिए जी मुख्यमंत्री ने गला फाड़ कर सदन में चिल्लाया और कहा कि कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं, क्या अगर आप हत्या करते हैं तो जेल जाते हैं यह सब कोई जानता है, उसके बावजूद भी हत्याएं होती हैं या नहीं। मुख्यमंत्री की इस बात से कुछ लोगों ने तालियां बजा करके उनका अभिवादन किया, उसके बावजूद भी आज विधवा महिलाएं नीतीश कुमार को खंगाल रही हैं। बड़ी खबर है सामने। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इमरान खान ने इशारा किया अविश्वास प्रस्ताव से पहले। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी अब मुश्किल में है। इमरान खान की विदाई होना तय है और इसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। इमरान खान पहले सोचे कि कराची जैसे बड़े स्टेट को संभालना एक बड़ी मुद्दा हो सकता है, इसलिए उन्होंने विपक्षी दलों को वरदान कर दिया, लेकिन उसके बाद में विपक्ष और मजबूत हो गया और प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेने के लिए वह काफी ज्यादा हावी होने लगा। अब इमरान खान की कुर्सी काफी ज्यादा खतरों में है, जो लगातार भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को टॉर्चर करते आ रहे थे आज खुद टॉर्चर हो रहे हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि विकास के कामों पर ध्यान ना दे करके आपने अपने ऊपर खर्च जो किया इसका महंगाई सबसे ज्यादा रह गया और यही कारण है कि इमरान खान की आज की कुर्सी अब छिनती हुई दिखाई दे रही है। बेहद बड़ी खबर आई। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार में जेल में हैं। आपको बता दें दोस्तों कि आर के राणा जिनके घर पर सब कुछ षड्यंत्र रचा गया, कैसे जी हाँ आपको बता दें कि घोटाला करना है, कितना घोटाला करना है आपको पता है क्या, जिस सजा में आपको जिस मामले में लालू प्रसाद यादव सजा काट रहे हैं उस मामले में स्कूटर से भी आपको बता दें कि चारा आया है और स्कूटर के नंबर प्लेट से चारा आया है। इसका मामले की जब जांच हुई तो लालू प्रसाद यादव करार दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव को फंसा रही है। फिलहाल डोरंडा कोषागार में लालू प्रसाद यादव को आज जो है वो सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के यहां विशेष कोर्ट के अदालत के अंदर वकील के मौजूद ना होने के कारण और जज छुट्टी पर चल जाने के कारण मामले को टाल दिया गया है, जिसके साथ लालू प्रसाद यादव फिलहाल और कुछ लंबे वक्त तक जेल में बने रहेंगे। एक लंबा और बड़ा घोटाला चारा घोटाला याचिका में खारिज किया गया। लगातार बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही है और यह खबर है एलपीजी सिलेंडर को लेकर के। लाल कलर के आपके घर का सिलेंडर आपके चेहरों का रंग उड़ा करके लाल कर सकता है। दरअसल दोस्तों इसका मुख्य कारण यह है कि जिसके आपने कुर्सी पर बैठाया, जो लगातार एक आपको बयान याद होगा जिसमें रामदेव बाबा ने कहा था कि 345 रुपए का सिलेंडर आपको नहीं चाहिए, क्या आप 475 रुपए चुकाना चाहते हैं, क्या सब्सिडी को हटा दिया जाए तो 700 रुपए चुकाना चाहते हैं क्या। और इस बात को जब रामदेव बाबा बोले थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार संजोग से नहीं थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और सिलेंडर की कीमत 1200 के आंकड़े को पार कर गई है। सब्सिडी के नाम पर 35 रुपए से लेकर के 45 रुपए तक आपके खातों में आते हैं और इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के कारण अप्रैल के महीनों में 205 रुपए कमर्शियल सिलेंडरों पर बढ़ा दिया गया। हालांकि यह तो वक्त बताए कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह भी पाएगी या नहीं महंगाई के कारण।
वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उस वक्त से लेकर के अभी तक लगातार निजीकरण वाले चीजों को करती आ रही है और इसका मुख्य चीज है रेलवे से लेकर के बैंकिंग सेक्टरों तक पहुंचा था, लेकिन अब SBI से लेकर के हिंदुस्तान के छोटे बड़े सभी बैंकों ने ताला लगा दिया और इसके साथ ही सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके साथ दोस्तों अभी तक लगातार बैंकिंग सेक्टरों में करोड़ों के नुकसान हो चली है और इस नुकसान की भरपाई अब कौन करे ये तो वक्त बताए, लेकिन निजीकरण के लिए बैंक कर्मचारियों ने साफ तौर पर सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ ताल ठोक दिया है और कहा है कि अगर आप निजीकरण कर रहे हैं तो करिए ना, रोक कौन रहा है, सब कुछ तो बेच ही डाले हैं, बची खुची बैंकों को भी बेच डालिए ताकि आपकी कम से कम राजस्व की प्राप्ति हो सके और GDP हाई कर लोगों को यह बता सके कि आज देश की GDP सबसे ज्यादा हाई है। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।